सबसे ज़्यादा अगर क्लियर किसी का हो रहा है तो उनके स्टेट का हो रहा है, और हम बिहार के बच्चे यहाँ आते हैं, हमसे तो यहाँ कोई मिलते भी नहीं है। इसी चीज़ लिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से हमारी आवाज़ उठाई जाए और अश्विनी वैष्णव सर को भेजी जाए कि यहाँ से भी डिमांड भेजिए। दूसरे स्टेट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं उन्होंने फ़ोन करके उन स्टेट का पूरा क्लियर करवाया, पॉलिटिशियन ने फ़ोन किया या ऊपर से दबाव दिया, वहाँ के GM अपना मनमाना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप न्यूज़ PR लाइव देख रहे हैं। इस समय हम BJP कार्यालय के पास है, देख सकते हैं आप सीधे तरीके से। अब तक जो देखने में आ रहा था कि BSSC के छात्र, स्टेट के छात्र राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हैं रेलवे के यानी केंद्रीय भर्ती परीक्षा के जो छात्र हैं, केंद्र की नियुक्ति होती है उसके जो छात्र हैं, टेक्नीशियन और JEE के छात्र हैं, वो लोग भी अब BJP कार्यालय के पास आ गए हैं क्योंकि BJP की केंद्र में सरकार है। कहीं ना कहीं इनका आने का यही उद्देश्य है। हम जानते हैं कि आखिर में अपनी आवाज़ को केंद्र तक पहुँचाना चाहते हैं, जो केंद्र में हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है उसको पहुँचाना चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ से बचे हुए हैं और जिन बाकी सारे बोर्डों में क्लियर हो रहा है, लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहाँ डिमांड 0 भेज दी गई है, 5-7 डिमांड भेजी गई वो 0 ही होगा। तो इसी चीज़ लिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से हमारी आवाज़ उठाई जाए और अश्विनी वैष्णव सर को भेजी जाए कि यहाँ से भी डिमांड भेजिए। जो भी बोर्ड है आपको क्या बोलता है, NRC है, फिर आपको NR है, फिर आपको बेंगलोर बोर्ड है, इलाहाबाद बोर्ड है, आपको सिकंदराबाद बोर्ड है, रांची बोर्ड है, इन सब में सारे बच्चों को छोड़ दिया गया। जो कुछ ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पे आपको केंद्र के ही दूसरे स्टेट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं उन्होंने फ़ोन करके उन स्टेट का पूरा क्लियर करवाया, जिसमें आपको दिया कुमारी मैम ने स्पेशली फ़ोन किया था आपको NR बोर्ड में, वहाँ उन्होंने फ़ोन किया, वहाँ उनका 100% क्लियर हो रहा, वहाँ सीट जनरेट हो गई। लेकिन बाकी बोर्ड में, जैसे जिस बोर्ड में नहीं किसी पॉलिटिशियन ने फ़ोन किया या ऊपर से दबाव दिया, वहाँ के GM अपना मनमाना कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव सर ने पार्लियामेंट में बाकायदा दिखाया था कि ग्रुप C में, हम लोग ग्रुप C में आते हैं, टेक्नीशियन JEE सब, उनका प्रत्येक आपको बोर्ड में हज़ारों की संख्या में सीट खाली है, लेकिन जब डिमांड मांगी जा रही है तो वो डिमांड दे रहे हैं 5 और 6 के संख्या में, तो वो सीटें कहाँ जा रही हैं? क्या वो बेच रहे हैं सारे सीटें या प्राइवेट को दे रहे हैं? हमारा ये मुद्दा है कि हमारा ये काम क्लियर करें और इस बात को अश्विनी वैष्णव सर के सामने उठाएं, ताकि जो GM मनमानी कर रहे हैं जिस बोर्ड के, जहाँ डिमांड भेजने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार युवाओं के लिए तो काम कर रही है, तो हमारे लिए कहाँ काम हो रही है? हम तो यहाँ पर इसलिए खड़े हैं, हम इसी आशा से आए कि उन्होंने युवाओं के लिए काम किया, हमारे लिए भी काम कर दे। कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स घुस गए क्या? हाँ, एकदम हो रहा है, क्योंकि राजस्थान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन्होंने अपने स्टेट के सारे बच्चों का साथ दिया, और आज देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर क्लियर किसी का हो रहा है तो उनके स्टेट का हो रहा है, और हम बिहार के बच्चे यहाँ आते हैं, हमसे तो यहाँ कोई मिलते भी नहीं है। बिहार में तो BSSC का भी पेपर लीक हुआ, यहाँ कोई आंदोलन में साथ नहीं दिया, उसका आप लोग का कौन देगा साथ? आप लोग को तो केंद्र सरकार हमारा है, अब हम केंद्र सरकार के सामने मुद्दा उठाएंगे, नहीं साथ देगा तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम तो यहाँ पर आके खड़े रहेंगे जब तक हमारे पास ताकत है। कितने लोग हैं लगभग आपके? हम लोग अभी यहाँ पर अभी हम लोग आए हुए हैं करीब 100-200 की संख्या में, और हमारी पूरी वेटिंग जो बची हुई है पूरे भारत में वो करीब 5,000 के अप्रोक्स में बची हुई है। उन्होंने बाकी सबका क्लियर कर दिया, लास्ट में हम लोग जो 20% के आसपास बचे हैं पूरे भारत से, उन बच्चों को उन्होंने रोड पर छोड़ दिया। मतलब 20% लोगों को अब नियुक्ति नहीं किया दिया? हाँ, 80% की नियुक्ति हो चुकी है। 80% हो गया। ये बात खुद आपको अश्विनी वैष्णव सर ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर मनोज कुमार झा सर के क्वेश्चन पूछे जाने पर इसका उत्तर दिया था। तो उत्तर दिया तो नियुक्ति कब तक मिलेगी, उम्मीद है? उसी के लिए तो आए हम कि इस बात को हम लोग ऊपर मुद्दे को पहुंचाएं और इस बात को पहुंचाएं कि जो बच्चे बच रहे हैं उनको भी बाकी सब बच्चों के तर्ज पर लिया जाए और इनके भी नियुक्ति देके 100% क्लियर किया। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से, बिहार के पटना से। आप कहाँ से? हम भी बिहार से हैं सर। उम्मीद है? देखिए सर, यहाँ पर पूर्ण रूप से पॉलिटिक्स हो रहा है, वही राजस्थान में देखिए प्रेशर बनाया, मतलब पॉलिटिशियन लोग वहाँ जितने लोग थे मेंबर पार्लियामेंट के थे वो लोग वहाँ का बेटिंग पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया गया। कुछ कुछ बोर्ड है जैसे बंगलोर हो गया, वहाँ पर कितनों प्रेशर देने पर वहाँ पर कोई पॉलिटिक्स का हेल्प ही नहीं लिया, जिसके कारण वहाँ पर अभी 0 का 0 डिमांड, मतलब भेजवो करता था 20 को 21 को भेजता है, उससे क्या होने वाला है? वहाँ 500 के अप्रॉक्स में वहाँ पर बेटिंग लेका है, वहाँ पर कोई पूर्ण रूप से वहाँ पर बिहार का ही वहाँ पर लेका है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ पर बिहार का लेका है, जिसके कारण वहाँ पर मतलब बेटिंग क्लियर नहीं हो रहा है। बंगलोर का बारे में बोल रहे हैं, और यही पॉलिटिक्स के कारण 20% या 10% बच्चा बच गया है, यहाँ पर पॉलिटिक्स खेल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि तमाम अभ्यर्थी आए हुए हैं, जिस तरीके से उनका कहना कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी युवाओं के लिए कोई काम कर रही है, बस एक यहाँ तक पॉलिटिक्स घुस गया है और युवाओं को एक तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ PR लाइव देखते रहें।